हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन ज्योग्राफी जुनून। दोस्तों, हम पिछले वीडियोस में भू संतुलन टॉपिक को लेकर चल रहे थे। इसमें हमने एरी की संकल्पना को पढ़ा, प्रायट की संकल्पना को पढ़ा, इसके अलावा हमने पढ़ा डट्टन की संकल्पना को और हैफर्ड एंड बोवी की क्षतिपूर्ति तल संकल्पना को भी हमने पढ़ लिया है। आज हम पढ़ने वाले हैं जॉली, आर्थर होम्स और स्कैनिंग की संकल्पना। ठीक है, तो जॉली महोदय की संकल्पना हम आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात करते हैं हम जॉली की संकल्पना। इन्होंने 1925 में भू संतुलन की संकल्पना दी थी। जियो आइसोस्टेसी की संकल्पना जॉली महोदय ने दी थी 1925 में। ठीक है, इन्होंने क्या कहा था, देखिए जो हैफर्ड एंड बोवी थे उन्होंने क्या कहा था, प्रैट ने भी यही कहा था, ठीक है, डट्टन ने भी कहा था। तो इन्होंने हैफर्ड एंड बोवी की संकल्पना का खंडन करते हुए बताया कि क्षतिपूर्ति तल जो है वो बनना संभव नहीं है। कैसे, उन्होंने कहा, हैफर्ड और बोवी ने कहा कि एक धरातल के नीचे एक निश्चित गहराई होगी, वो कितनी है, 100 किलोमीटर की। वहां जाकर के और जो अलग अलग स्तंभ में घनत्व में चेंज आ रहा था वो चेंज जो है वो अब समाप्त हो जाएगा और उससे नीचे घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होगा और उस तल पे जाकर के सबका भार भी बराबर हो जाएगा और इस घनत्व के अंतर की वजह से वो सब स्टेबिलिटी में रहेंगे। मगर इन्होंने कहा कि क्योंकि भूगर्भ के अंदर इतनी ज्यादा हलचल होती रहती है, हमारा भूगर्भ एक स्टेबल कंडीशन में नहीं है, ठीक है, वहां मैग्मा फ्लो भी होता है, चट्टानों में ताप दाब घनत्व में परिवर्तन की वजह से खिसकाव भी हो सकता है, यानी एक अनस्टेबिलिटी बनी रहती है। उस अनस्टेबिलिटी की वजह से कभी भी एक रेखा पे जाके, एक तल पे जाकर के कभी भी घनत्व बराबर नहीं हो सकता है। यानी इन्होंने कहा कि क्षतिपूर्ति तल जो है वो हो ही नहीं सकता है, कि यहां आकर के क्षतिपूर्ति तल जो है, क्षतिपूर्ति तल जो है उसकी इन्होंने क्या, इसकी बोले तो एक तरीके से इसकी संकल्पना जो है वो संभव नहीं है। यहां पर ये क्षतिपूर्ति तल जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा क्योंकि धरातल के अंदर क्या है, कंटिन्यू क्या हो रही है, भूसंचलन हो रहा है, कुछ ना कुछ मूवमेंट हो रही है, तो उसकी वजह से क्षतिपूर्ति तल की संकल्पना संभव नहीं है। इन्होंने बोला कि ऐसा होता है कि हमारे जो धरातल के नीचे हम घुस जाते हैं तो धरातल के नीचे जाने पर एक क्षेत्र तो ऐसा आता है जहां पर समान घनत्व होता है, ठीक है, ये आता तो है कि समान घनत्व होता है, मगर ऐसा नहीं होता है कि यहीं पर आकर के और सब बराबर रुक जाते हैं। मतलब समान घनत्व के बाद ऐसा नहीं होता कि नीचे घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता है। उन्होंने कहा कि समान घनत्व के क्षेत्र के नीचे भी एक ऐसा जोन होता है, ऐसा क्षेत्र होता है जिसमें घनत्व जो है वो परिवर्तन होता है, उसके नीचे जाने पर फिर से घनत्व में परिवर्तन होता है और इसको इन्होंने बोला, इसको बना इन्होंने क्षतिपूर्ति कटिबंध, इसको क्षतिपूर्ति कटिबंध बोला और इसकी इन्होंने गहराई बताई कि ये जो है इसकी चौड़ाई होती है 16 किलोमीटर, यानी 10 मील, 16 किलोमीटर या 10 मील का ये एक ऐसा जोन होता है, इसे कंपनसेटिंग जोन भी कह सकते हैं, ये एक ऐसा जोन होता है जिसमें घनत्व में पुनः परिवर्तन होता है और जो अलग अलग घनत्व के जो इसकी जो जड़ें हैं वो इसमें जाती हैं। यानी जो एरी की जो संकल्पना थी, मैंने आपको बताया था एरी ने क्या कहा था कि 9 भाग, जितना कोई भाग ऊपर उठा हुआ है उसका 9 भाग जो है वो कहां है, अधः स्तर में धसा हुआ है। तो इन्होंने भी ऐसे ही बोला कि जैसे ये पर्वत है, ठीक है, जैसे ये पर्वत है तो ये पर्वतों की जड़ जो है वो नीचे गहराई तक अलग स्तर पे जाएगी, यानी अलग स्तर पे ऐसे जाएगी कि पर्वत जो है वो हल्के हैं, ठीक है, कम घनत्व के हैं, तो इनकी जड़ें जो है वो ज्यादा गहराई तक जाएगी और नीचे तक घनत्व में परिवर्तन आएगा। एक लेवल पे आके तो इनका घनत्व बराबर होगा मगर फिर से घनत्व जो है उसमें परिवर्तन आएगा। ऐसे जैसे ये पठार है, ठीक है, इसको मान ले हम, तो इनके भी जड़ें जो हैं वो डिफरेंट लेवल पे जाएगी, ठीक है, नीचे अधर स्तर में अलग अलग गहराइयों में जाएगी। यानी ये एरी की संकल्पना से प्रभावित थे, यानी ये तैराव सिद्धांत में विश्वास करते थे, हमारे धरातल के तैराव सिद्धांत में ये विश्वास करते थे
कि सियाल जो है वो सीमा पर तैर रही है, इस सिद्धांत में विश्वास करते थे और इसके अकॉर्डिंग ही इन्होंने ये दिया। अब इन्होंने कहा कि जो इस पर्वत है इनके नीचे जब जड़ें बहुत गहराई में जाएंगी तो गहराई में जाने पे क्या होगी कि सियाल तो हमारी किससे बनी है, हल्के पदार्थ से बनी है, ठीक है। इसका घनत्व क्या है, कम है, हल्के पदार्थ से बनी है और घनत्व क्या है, कम है सियाल का। जबकि जो सीमा है वो कैसी है, सीमा भारी पदार्थों की बनी है और इसका घनत्व क्या है, अधिक है, ठीक है। तो जब ये सियाल निर्मित हमारे पर्वत पठार वगैरह की जड़ जब नीचे जाएगी, ठीक है, जैसे एरी ने कहा था वैसे ही, तो नीचे जाके क्या करेगी, ये यहां से भारी पदार्थों को हटाएगी। जब ये भारी पदार्थों को नीचे से हटाएगी तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से ये होगा कि वहां पर घनत्व जो है उसमें भारी कमी आ जाएगी। एक तो खुद पर्वत है उनका घनत्व कम है, ऊपर से वो जब नीचे जा रहे हैं तो अपने नीचे स्थित घनत्व को भी कम कर देते हैं, वहां से भारी पदार्थों को हटा देते हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से वहां पे घनत्व में ओवरऑल कमी आ जाती है और ऐसे ही वजह से हिमालय पर्वत जो है वो उतना आकर्षण नहीं उत्पन्न कर पा रहा है जितना उसको करना चाहिए था, ठीक है, जैसा कि एरी ने कहा था और वैसा ही इन्होंने ये बात कही, ठीक है। तो अगर हम जॉली की बात करें तो जॉली एरी की संकल्पना और तैराव सिद्धांत से प्रभावित थे और प्रभावित होने की वजह से इन्होंने सियाल और सीमा के अंतर को आधार बनाते हुए बताया कि हल्के पदार्थ पाए जाते हैं सियाल में जिनका घनत्व कम होता है, सीमा में पाए जाते हैं भारी पदार्थ जिनका घनत्व अधिक होता है, और जो स्तंभ जितना ऊंचा होता है, ठीक है, वो स्तंभ हल्के घनत्व की वजह से होता है, ठीक है, और वो नीचे गहराई में उतनी ज्यादा क्या करता है, जड़े जो है उनमें अंतर लाता है। यानी ये इस चीज से भी सहमत थे कि इनका जो घनत्व है उसमें अंतर होता है, पर्वत पठार मैदान यानी एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में जाने पे घनत्व में तो अंतर होता है, मगर ये क्षतिपूर्ति तल पे आके ही बराबर नहीं हो जाता, उससे नीचे भी एक ऐसा जोन होता है जिसे इन्होंने क्षतिपूर्ति कटिबंध कहा कि वहां जाके घनत्व में फिर से परिवर्तन होने लगता है और जड़े नीचे जाकर के जो घनत्व है उसको और ज्यादा कम कर देती हैं। क्यों, क्योंकि अधः स्तर जो है उसमें भारी पदार्थ जो है वो हट जाता है, वहां से जड़े उसको दबाती है, जैसे मैंने आर्किमिडीज के सिद्धांत में बताया था एरी के संकल्पना के दौरान कि कोई भी चीज कैसे तैरेगी, वो अपने द्रव्यमान या उससे अधिक भार उतना ही द्रव्यमान जो है वो अपने नीचे से हटा दे तो वो तैरने लगेगी, और इसी वजह से यहां से भी नीचे से सीमा में से भारी पदार्थों को हटाते हैं। के लिया है जॉली की संकल्पना। जॉली के बाद हम बात करें एक और भूगोलवेत्ता थे हिस्कैनिन। हिस्कैनिन ने भी अपनी संकल्पना दी। हिस्कैनिन ने अपनी संकल्पना दी। हिस्कैनिन ने अपनी संकल्पना दी 1933 में, ठीक है। हिस्कैनिन ने 1933 में संकल्पना दी। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एरी और प्राट दोनों की संकल्पनाओं को मिक्स कर दिया। कैसे मिक्स कर दिया, इन्होंने माना एक तरफ तो इन्होंने माना कि एक स्तंभ से और दूसरे स्तंभ जो है इसमें ठीक है, इन्होंने माना कि एक स्तंभ से हम दूसरे स्तंभ में जब जाएंगे, ठीक है, तो इनके घनत्व में अंतर आएगा, ठीक है। एक से मान लीजिए पर्वत है, ये पठार है, ये मैदान है, ये नितल है, सागर तली है, तो एक से दूसरी जब संरचना में हम जा रहे हैं तो घनत्व में अंतर आएगा। और ये किसने कहा था, एक से दूसरे में, ये प्रैट ने कहा था। जॉली ने तो क्या माना था, ये एक्चुअली एरी ने तो क्या माना था कि सब तरफ घनत्व बराबर है, ठीक है, तो ये प्रैट की संकल्पना हो गया। साथ में इन्होंने कहा कि अलग अलग ऊंचाई पर जैसे एक ही स्तंभ में जैसे पर्वत है इसकी अलग अलग ऊंचाई पर घनत्व में अंतर पाया जाता है, ठीक है। जैसे
पर्वत जो है इसके ऊपरी भाग में हम घनत्व माने कि इसकी ऊपरी भाग का घनत्व 2.7 है, तो इससे और नीचे के भाग का घनत्व 2.75 होगा। यानी एक स्तंभ में नीचे से ऊपर जाने पर घनत्व में अंतर आता है, घनत्व कम होता है, जबकि एक स्तंभ से दूसरे स्तंभ में जब हम जाते हैं तब भी घनत्व में अंतर आता है, ठीक है। और अगर हम देखें कि इनकी जो पर्वत पठार मैदान सागर तली है, स्कैनिंग ने यह भी माना कि इनकी जड़ें जो है उनमें भी डिफरेंस आता है, वो भी अलग अलग गहराई में होती है। यानी इन्होंने एरी की संकल्पना को भी मान लिया और प्राट की बात को भी मान लिया और दोनों का मिक्स कर दिया। तो इसका मतलब ये हम समझे कि मान लो धरातल में हम जब जाएं, ये धरातल पर हम जाएं, तो धरातल पर हमको क्या देखने को मिलेगा कि धरातल पर हमको चट्टाने जो है हमारी, जो हमारी चट्टाने हैं उन चट्टानों में अगर हम बात करें तो लंबवत रूप से भी घनत्व में परिवर्तन हो रहा है, लंबवत परिवर्तन भी हो रहा है, और साथ साथ धरातल की चट्टानों में कैसे परिवर्तन हो रहा है, क्षैतिज रूप से भी परिवर्तन हो रहा है। कैसे हो रहा है क्षैतिज और लंबवत परिवर्तन, कैसे? ये देखिए, हम लंबवत परिवर्तन की जब बात करें तो एक ही स्तंभ में ऊपर जाने पर या नीचे आने पर कैसे जाए घनत्व में परिवर्तन हो रहा है, ये इन्होंने कहा। दूसरा, एक स्तंभ से दूसरे स्तंभ में जब हम जा रहे हैं तो क्षैतिज रूप से घनत्व में परिवर्तन हो रहा है, यानी ये लंबवत रूप से चट्टानों का घनत्व बदल रहा है और क्षैतिज रूप से चट्टानों का घनत्व बदल रहा है। तो इन्होंने माना कि हमारे जो स्थल मंडल है उसके में हर जगह पे घनत्व अलग अलग होता है, गहराई में भी घनत्व में परिवर्तन होता है और हम लंबाई में चले तो भी घनत्व में परिवर्तन होता है। इस तरह से स्कैनिंग ने एरी और प्राट दोनों की संकल्पनाओं को मिक्स करके अपनी संकल्पना 1933 में दी थी, ठीक है। अब एरी और प्राट के बाद स्कैनिंग महोदय आए और स्कैनिंग के बाद अगली संकल्पना हमारी जो आती है, स्कैनिंग के बाद हम अगली संकल्पना देखते हैं, आर्थर होम्स की संकल्पना। आर्थर होम्स, ठीक है, आर्थर होम्स की संकल्पना। तो आर्थर होम्स महोदय ने अपनी संकल्पना में क्या कहा, आर्थर होम्स महोदय भी एरी की संकल्पना से मिलती हुई संकल्पना दे रहे थे, यानी वो भी एरी की तरह तैराव सिद्धांत में विश्वास कर रहे थे। वो भी कह रहे थे कि अलग अलग गहराइयों पर स्तंभों की जो जड़ है वो अलग अलग गहराइयों पर होती है, ये भी यही कह रहे थे। तो आर्थर होम्स महोदय ने देखिए कैसे बताया, इन्होंने कहा कि जैसे ये पर्वत है, इसको हम पर्वत कहें, ये जैसे हमारा मान लो पठार है, ये हमारा मान लीजिए मैदान है, ठीक है, ये हम मान लें सागर तली है, तो इन सब की संरचनाओं के अंदर हम देखें तो इनकी जड़ें जो है वो अधः स्तर में अलग अलग गहराई पर होती है। उन्होंने कहा कि जो पर्वत होते हैं इन पर जो हमारी सियाल है, अब ये तैराव सिद्धांत में विश्वास कर रहे थे, सियाल सीमा की बात करेंगे, तो जो इनकी सियाल है ये हमारी लगभग 40 किलोमीटर की गहराई तक मिलती है। इन्होंने माना कि लगभग 40 किलोमीटर की गहराई तक अधः स्तर में पर्वत जो है उनकी जड़ जाती है, यानी यहां पर सियाल की मोटाई कितनी है, 40 किलोमीटर है। फिर उन्होंने कहा कि पठारों में यह मोटाई और कम हो जाती है, यानी पठारों की जो जड़ है वो अधः स्तर में और कम गहराई तक जाती है। मैदानों पर आते आते ये हो जाती है 10 से 12 किलोमीटर तक, यानी सियाल की मोटाई जो है वो कम होती जा रही है। इसका मतलब कि सियाल जो है वो जड़ जो है वो अधः स्तर में कम गहराई तक जा रही है। और सियाल कैसी बनी है, हल्के पदार्थों की बनी है, यानी घनत्व कम है। इससे आगे उन्होंने कहा कि सागर तली की हम बात करें तो सागर तली पर आकर सियाल जो है वो बहुत पतली हो जाती है, बहुत ही पतली हो जाती है, यानी इसकी जो जड़ है वो क्या होगी, बहुत कम गहराई तक जाएगी, ठीक है, सागर तली पे आकर के। ये यहां पर आके मात्र 5 किलोमीटर रह जाती है सागर तली पर, यानी कि हर संरचना के अंदर घनत्व में भी परिवर्तन हो रहा है, घनत्व में परिवर्तन हो रहा है कि इनकी ऊंचाई अलग अलग है। दूसरा, इन्होंने कहा कि ये जो ऊंचाई अलग अलग होने के साथ साथ इनकी जो गहराई जो है वो
अलग अलग होती है, क्यों? क्योंकि इनकी जड़ अलग अलग गहराई तक जा रही होती है। और इन सब का घनत्व, एरी ने क्या माना था, पूरी धरातल पर घनत्व एक जैसा है, तो इन्होंने भी यही माना कि इनका सबका जो घनत्व है वो कम है, ठीक है, और एक जैसा है, 2.75 इन्होंने घनत्व मान लिया। किसका? पूरी सियाल का, धरातल का, पूरे का घनत्व बराबर माना, चाहे वो पर्वत हो, पठार हो, मैदान हो, सागर के लिए सबका। परंतु फर्क क्या है? फर्क है इनकी ऊंचाई में, और वो ऊंचाई का जो फर्क है वो कैसे बैलेंस हो रहा है, गहराई से, कि इनकी जड़ें कितनी गहराई में जा रही हैं। जो जितना ज्यादा ऊंचा होगा उसकी गहराई उतनी ज्यादा होगी। और जो सीमा है हमारी, ये जो सीमा है इसका इन्होंने घनत्व माना 3, सीमा का घनत्व 3 है। अब इनके अनुसार बात यह है कि पर्वतों की जब गहराई ज्यादा हो रही है, ठीक है, तो ये इस गहराई की वजह से बैलेंस हो रखे हैं। पठार, मैदान और सागर तली, जितनी सियाल मोटी होगी यानी जितनी ज्यादा गहराई होगी उसी हिसाब से उसकी ऊंचाई होगी, और उसी हिसाब से वो नीचे गहराई में जाकर के अपने आप को बैलेंस करेगा, ये इन्होंने कहा। अब इनके अनुसार अगर हम बात करें, आर्थर होम्स के अनुसार बात करें, तो बैलेंस बन कैसे रहा है, भू संतुलन आर्थर होम्स के अनुसार बन कैसे रहा है? इनका यह मानना था कि देखिए, जब पर्वत उठेंगे, ठीक है, यहां पे मैं अलग से बताऊं कि जैसे पर्वतों का ये निर्माण हुआ, ठीक है, और ये हमारे मैदानी और पठारी भाग है, ठीक है, तो इनका मानना ये था कि जो पर्वत हैं, इनका जब पर्वतों का निर्माण होगा तो इसके साथ साथ इनमें अपरदन प्रक्रम स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। जब पर्वत ऊपर उठेंगे तो क्या होगा, नदियां अपरदन करेंगी, अपरदन करके ये सारा अवसाद ला करके यहां से और कहां जमा करती जाएंगी, ये सारा यहां से अवसाद आएगा और यहां पर सागर तटीय क्षेत्रों में क्या होता जाएगा, आके के जमा होता जाएगा, और ये पर्वत जो है वो कंटिन्यू क्या होते जाएंगे, छोटे होते जाएंगे। अब ये पर्वत हो जाएंगे सिर्फ इतने छोटे होते जाएंगे, और सागर के जो तटीय क्षेत्र है वो क्या करते जाएंगे, ऊपर उठते जाएंगे। इसकी वजह से ये होगा कि यहां पर तो क्या बनेगा, भार बढ़ेगा, भार वृद्धि होगी, और यहां भार में क्या आएगी, कमी आएगी। भाई पर्वत नीचे होंगे, इनके भार में कमी आएगी, और पर्वत नीचे हो जाएंगे और तटीय क्षेत्र ऊपर हो जाएंगे, ठीक है, यानी यहां तो पर्वत नीचे हो जाएंगे, यहां तटीय क्षेत्र जो है वो ऊपर होते जाएंगे। तो क्या होगा, अब यहां जब भार में कमी आ रही है और यहां भार में वृद्धि हो रही है, तो इसके नीचे इन्होंने बताया कि इनके नीचे जो ये कहूं मैं, इनके नीचे देखें हम, तो देखिए ये पर्वतों की जड़ है, पर्वतों की जड़ तो बहुत गहराई तक जा रही है, ठीक है, ये जैसे ये पूरी सीमा है, ठीक है, तो इसमें देखिए अब भार वृद्धि हो रही है, तो यहां से जब इनकी ऊंचाई बढ़ेगी, तो मैंने बताया कि जो जितना ऊंचा जाएगा उसका नीचे भी जड़ उतनी ज्यादा जाएगी, यानी इस भार वृद्धि की वजह से यहां सीमा जो है उस पर क्या पड़ेगा, दबाव पड़ेगा, ठीक है, दबाव पड़ेगा, और दबाव की वजह से ये भाग, सीमा का जो ये भाग है वह किधर जाएगा, इस तरफ शिफ्ट होने लगेगा। यानी अगर इस स्तर में जो पदार्थ हैं, जो भारी पदार्थ हैं सीमा के, जिनका घनत्व हमने 3 माना है, उनका भाव किस तरफ होने लगेगा, पर्वतों के नीचे, क्यों, क्योंकि अब ये हल्के होते जा रहे हैं, मतलब ये हल्के होंगे तो इनकी जड़ क्या होगी, इनकी जड़ अब और ऊंचाई पर जाने लगेगी, अब उतनी गहराई पर नहीं रहेगी, समझ गए। यानी जो स्तंभ जितना ज्यादा ऊंचा होगा उसकी जड़ उतनी ज्यादा होगी, अब जब इसकी ऊंचाई ही घट गई है तो इनकी जड़ों की भी गहराई घटेगी, और ये जब ज्यादा ऊंचा हो रहा है तटीय क्षेत्र, तो इनकी गहराई बढ़ेगी, इसकी जड़ की गहराई बढ़ेगी, तो यहां से भारी पदार्थों का बहाव इस तरफ होने लगेगा, ठीक है। जब ये इस तरह बहाव होने लगेगा यहाँ पे, तो क्या होगा, अब जब इस तरह और ज्यादा सीमा के पदार्थ इसको मिल रहे हैं तो ये फिर से ऊपर उठने लगेंगे पर्याप्त, ठीक है, और सागर तली जो है वो वापस नीचे आने लगेगी। यानी मैंने जो पहले वीडियो में आपको बताया था कि ये एक यांत्रिक संतुलन की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, कि अगर एक भाग नीचे जा रहा है तो दूसरा भाग ऊपर आ रहा है, यानी ये सापेक्षिक रूप से संतुलित हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आर्थर होम्स महोदय ने कहा कि आर्थर होम्स के अनुसार एरी की संकल्पना जो है वैसे ही होगी। इन्होंने ये नहीं कहा कि वो 9 गुना नीचे होगी,
इन्होंने एक फिक्स बता दिया कि लगभग 40-45 किलोमीटर तक ही पर्वतों की जड़ होती है और इतनी गहराई तक जाकर के तली जो सियाल जो है वो इतना पिघलने की संभावना नहीं रहती है। तो जो कि दोष था एरी की संकल्पना में, इन्होंने तो बता दिया था 80 किलोमीटर तक नीचे चला जाएगा हिमालय पर्वत, ठीक है। उन्होंने कहा कि पर्वतों में मैक्सिमम जो है वो सियाल लगभग 40 किलोमीटर तक गहराई तक जाएगी और जब ये स्तंभ जो कि पर्वत है वो ऊंचा है, इसकी ऊंचाई में कमी आएगी अपरदन के कारण, तो उसकी वजह से सागर तटीय जो क्षेत्र हैं इनमें भार वृद्धि होगी, अपरदन आगे यहां जो अवसाद यहां जमा होगा और इसकी वजह से जो नीचे जो सीमा का जो पदार्थ है, ये सीमा का पदार्थ है, ये भाव करके कहां जाने लगेंगे, पर्वतों की तरफ जाने लगेंगे, पर्वतों के नीचे जाने लगेंगे। जब ये नीचे जाएंगे, ठीक है, तो इनकी जड़े क्या होंगी, हिमालय की जड़ें जो है वो क्या होंगी, हिमालय की जड़ें जो है वो कम होंगी, क्यों, क्योंकि इनका अपरदन हो रहा है और नीचे जाने के बाद जब और ज्यादा सीमा इसको यहां मिलेगी तो वापस क्या होगा कि हिमालय पर्वत ऊपर उठने लगेगा और सागर तटीय क्षेत्र फिर नीचे जाने लगेगा, इनमें फिर बैलेंस हो जाएगा। ये किसने कहा था, आर्थर होम्स ने, ठीक है। तो आर्थर होम्स की संकल्पना के अनुसार कैसे परिवर्तन होता है इसमें, ठीक है, ये होता है एक रिलेटिव स्टेबिलिटी, यांत्रिक संतुलन की स्थिति का उत्पन्न होती है और ये एरी की भाव की जो संकल्पना है उससे प्रभावित थे और उसी प्रभाव में इन्होंने ये सब बताया कि हल्के पदार्थ जो हैं वो होने की वजह से स्तंभ जो है सियाल जो है वो अलग अलग जगह पे अलग अलग ऊंचाई पे है और उसी वजह से इनकी जड़ जब ज्यादा नीचे जा रही है तो ये एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं और अगर ये स्थिति यांत्रिक संतुलन में देखें तो वो एक चक्र की तरह ऐसे चलती रहती है, पर्वत ऊपर उठते हैं, अपरदन होता है, अवसाद तटीय क्षेत्रों में जमा होता है, वहां भार वृद्धि होती है, वहां भार वृद्धि होने की वजह से नीचे का जो पदार्थ है सीमा का पदार्थ है उस पर दबाव बढ़ता है, वो पर्वतों के नीचे की जड़ों की तरफ आने लगते हैं और फिर पर्वत वापस ऊपर उठने लगते हैं, ठीक है। तो ये हो गई हमारी भू संतुलन की संकल्पना, ठीक है। मैंने आपको सब बता दिया कि भू संतुलन कैसे निकला, कैसे संकल्पना का उदय हुआ, एरी ने क्या कहा, प्रैट ने क्या कहा। तो एक अगर आप क्विक रिव्यू करना चाहें तो मैं इसका आपको एक क्विक रिव्यू बता देता हूं, क्या कि देखिए एरी ने क्या कहा था, एरी की संकल्पना थी कि पूरे धरातल पर डेंसिटी सेम है, इक्वल डेंसिटी विद वेरिंग डेप्थ, मगर जो स्तंभ जो है वो अपनी जितनी ज्यादा ऊंचे हैं उनकी जो गहराई है जड़े जो है वो उतनी ही ज्यादा अंदर तक जा रही है, ठीक है। ये कहा किसने, एरी ने। प्रैट ने कहा कि एक स्तंभ से दूसरे स्तंभ में घनत्व में परिवर्तन आता है और एक तल आता है क्षतिपूर्ति तल, वहां आने के बाद घनत्व बराबर हो जाता है, उसके बाद घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी सिर्फ स्थल मंडल में परिवर्तन होता है, पायरोस्फीयर और बैरोस्फीयर जो है तप्त मंडल और दाब मंडल उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आता है। ये किसने कहा, प्रैट ने कहा। प्रैट की संकल्पना को ही आगे किसने लिया, डेक्टन ने, जिन्होंने संतुलन शब्द दिया था। डेक्टन ने भी यही कहा कि क्षतिपूर्ति तल होता है, एक आइसोस्टैटिक लेवल होता है, समतोल तल होता है, जिस पे जाकर के क्या होगा, घनत्व बराबर हो जाएगा और जितने भी स्तंभ है उनका सबका भार उस समतोल रेखा पे जाके बराबर हो जाता है, इसके बाद घनत्व में परिवर्तन नहीं होता है, मगर एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में घनत्व में परिवर्तन होता है। यानी प्रैट की और इसकी संकल्पना जो थी वो कैसी थी, इनकी थी यूनिफॉर्म डेप्थ विथ वेरिंग डेंसिटी, ये प्रैट की संकल्पना थी, ठीक है। प्रैट के बाद आगे डल्टन, आगे डल्टन ने यही कहा। हेफर्ड एंड बोवी आए, उन्होंने भी इसी संकल्पना को आगे लिया क्षतिपूर्ति तल की, और इन्होंने क्षतिपूर्ति तल की संकल्पना को एक वास्तविक रूप देते हुए 100 किलोमीटर की एक गहराई बताई जहां पर क्षतिपूर्ति तल बनेगा, ठीक है। इससे पहले प्रैट और डल्टन ने ये नहीं कहा था, इन्होंने 100 किलोमीटर बताई और साथ में इन्होंने कहा कि जो घनत्व में जो परिवर्तन हो रहा है, एक घनत्व में परिवर्तन एक स्तंभ से दूसरे स्तंभ में हो रहा है। ये हो गई हमारे हेफर्ड एंड बोवी की। हेफर्ड एंड बोवी के बाद जॉली आए। जॉली ने 1925 में कहा कि ऐसा नहीं है कि एक क्षतिपूर्ति तल बन सके। उन्होंने कहा कि भू संचलन होता रहता है, धरातल के नीचे इतनी ज्यादा अव्यवस्था है, इतनी ज्यादा गतिशीलता रहती है कि एक भू संतुलन बना नहीं रह सकता, एक क्षतिपूर्ति तल बना नहीं रह सकता है और ये क्षतिपूर्ति तल में व्यवधान हो जाएगा और इस क्षतिपूर्ति तल के नीचे घनत्व में फिर से परिवर्तन होगा
और वहां उन्होंने एक क्षतिपूर्ति जोन, ठीक है, एक कंपनसेटिंग जोन की बात कही, जो कितनी थी 16 किलोमीटर की चौड़ाई में था, नीचे 16 किलोमीटर की चौड़ाई में या 10 मील की चौड़ाई में था, और वहां पर भी घनत्व में परिवर्तन हो रहा था। मगर साथ ही साथ ये एरी की संकल्पना से भी प्रभावित थे, तो इन्होंने कहा कि वहां पर अलग अलग घनत्व होगा और जड़े भी अलग अलग गहराई में जाएंगी, ठीक है। क्षतिपूर्ति तल संकल्पना जो थी उसके अपोजिट में इन्होंने कहा क्षतिपूर्ति जोन कहा, उसको इन्होंने कहा कि एरी के अनुसार जो बात थी कि जड़ भी अलग अलग गहराई में जाती है वो भी जाएंगी, ठीक है, और वो क्या करेंगी वहां से घनत्व को, वहां से भारी पदार्थों को हटाएंगी। भारी पदार्थों को जब ज्यादा जड़ नीचे गहरा में जाएगी तो सीमा के भारी पदार्थों को हटाएंगी, और हटाएंगे तो अपने आप ही गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो कम हो जाएगा पर्वतों के नीचे, पर्वतों में, ठीक है। तो पर्वतों के नीचे से क्योंकि भारी पदार्थ हट गए हैं, ये किसने कह दिया, ये कह दिया जॉली ने। जॉली के बाद हिस्कैनिन आए। हिस्कैनिन ने 1933 में जब अपनी संकल्पना दी तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एरी की भी संकल्पना ले ली और प्राट की संकल्पना ली और दोनों को मिक्स कर दिया। मिक्स क्या किया इन्होंने, एक तरफ तो इन्होंने कहा कि एक घनत्व से, एक स्तंभ से दूसरे स्तंभ में जब हम जाएंगे तो घनत्व में परिवर्तन होगा, यानी धरातल की चट्टानों में क्षैतिज परिवर्तन होगा, क्लियर है। साथ ही इन्होंने कहा कि एक ही स्तंभ में भी ऊंचाई के साथ घनत्व में परिवर्तन आता है, यानी कि हम कहें कि जो हमारे धरातल की चट्टाने जो है उन धरातल की चट्टानों में लंबवत रूप से भी घनत्व में परिवर्तन होता है, ये हिस्कैनिन ने कहा, ठीक है। इसके बाद आते हैं हमारे आर्थर होम्स, और आर्थर होम्स का संवहन तरंग सिद्धांत आपको मैंने बताया था। आर्थर होम्स महोदय ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि वो एरी की संकल्पना से प्रभावित थे, उन्होंने माना कि जो जितना ज्यादा ऊंचा स्तंभ होगा उसकी जड़ें उतनी नीचे गहराई तक जाएंगी, मगर उन्होंने ये नहीं कहा एरी की तरह कि वो 9 गुना नीचे जाएंगे। उन्होंने इसके लिए एक लिमिट बता दी कि लगभग 40 किलोमीटर तक पर्वतों की होती है, और इस नीचे घटते घटते क्या होता है सागर तली तक पहुंचते पहुंचते लगभग 5 किलोमीटर तक ही रह जाती है, यानी सियाल की परत जो है वो अलग अलग मोटाई की होती है, मगर घनत्व सबका बराबर है। यहां पर उन्होंने 2.75 मान लिया। इनके नीचे जो सीमा है उसमें ये सियाल, पर्वत, पठार, मैदान, सागर तली, इनकी जड़ें अलग अलग गहराई में जाएंगी, यानी सियाल की मोटाई हर जगह अलग अलग होगी, ठीक है, जड़ से लेके ऊंचाई तक, टॉप टू बॉटम इनकी जो जो मोटाई है वो अलग अलग होगी, पर्वतों में ज्यादा होगी, पठारों में और कम होगी, मैदानों में और कम होगी, और सागर तली में बिल्कुल कम हो जाएगी। और इनके नीचे से जो भारी पदार्थ है सीमा वो भी अलग अलग लेवल पे हटेंगे, क्यों, क्योंकि जो जितना ज्यादा गहरा जाएगा वो सीमा के उतने ही ज्यादा पदार्थों को वहां से हटा देगा, और इसके वजह से क्या होगा पर्वतों में गुरुत्वाकर्षण बल कम हो जाएगा, क्योंकि भारी पदार्थ जो घनत्व ज्यादा है द्रव्यमान ज्यादा होगा तो उनका क्या होगा गुरुत्वाकर्षण ज्यादा होना चाहिए था, मगर उन्होंने भारी पदार्थ को हटा दिया तो गुरुत्वाकर्षण कम हो गया, और सियाल खुद ही अपने आप में कम घनत्व की होती है तो पर्वत भी कम घनत्व के हैं, ये इन्होंने कहा। साथ ही इन्होंने बताया कि जो आर्थर होम्स ने बताया कि जब पर्वत ऊपर उठ रहे होंगे, ठीक है, ऊपर उठ रहे होंगे तो उनकी जड़ नीचे जा रही होगी, जब वो जड़ उतनी ही ज्यादा नीचे जा रही होगी तो वो नीचे से क्या करेगी, जब ये जड़ नीचे जा रही होगी तो नीचे से यहां से ये जब जड़ जा रही होगी पर्वतों की तो ये क्या करेगी, जब नीचे से उतनी ही ज्यादा में सीमा को हटा देगी, और यहां से जब अपरदन स्टार्ट हो जाएगा पर्वतों में तो सागर तटीय क्षेत्रों में जाएंगे, और तटीय क्षेत्रों का क्या होगा यहाँ पे अवसाद जमा होगा, ये ऊंचा उठता जाएगा, भार में वृद्धि होगी, और भार वृद्धि से क्या होगा ये नीचे की तरफ दबाव बनाएंगे सीमा पर, यानी कि ऊंचाई बढ़ रही है। अब ऊंचाई बढ़ने से मैंने बताया कि जड़ बढ़ेगी, जब इसकी ऊंचाई बढ़ेगी इसकी जड़ क्या हो जाएगी नीचे जाने लग जाएगी, इसकी ऊंचाई कम होगी पर्वतों की, पर्वत की ऊंचाई जब कम होने लगेगी तो पर्वत की ऊंचाई कम होगी तो इसकी जड़ क्या होने लगेंगी ऊपर आने लगेंगी, यानी यहां पर क्या होगा यहां पर सीमा जो है उसके पदार्थों को स्थान मिलेगा आने के लिए, तो यहां के भार की वजह से जब जड़ें यहां बढ़ेंगी तटीय क्षेत्र में तो यहां से पदार्थ बह के कहां जाएगा इस तरफ आएगा हर भारी पदार्थ, और पर्वतों के नीचे सीमा जो है वो मोटी होने लगेगी, और जब यहां पदार्थ ज्यादा आ जाएगा तो क्या होगा यहाँ पे वापस वही फ्लोटिंग रूल बनेगा, आर्किमिडीज का सिद्धांत बनेगा, और ये पर्वत फिर से ऊपर उठने लगेंगे और सागर तटीय क्षेत्र है वो नीचे जाने लगेंगे, ठीक है। ये आर्थर होम्स ने कहा, इन्होंने ऐसे बताया था एक रिलेटिव स्टेबिलिटी की पोजीशन, एक मैकेनिकल जो स्टेबिलिटी है वो आर्थर होम्स ने बताई थी, ठीक है। आई होप आपको ये सारी संकल्पनाएं क्लियर हो गई होंगी, फिर भी कोई डाउट है तो आप मेरे को मेल कर सकते हैं
या फिर आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर यहां आकर के हमारा भू संतुलन का टॉपिक कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक यू।